नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा। दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। कल से पहली दूसरी के बच्चे भी आएंगे, अब सभी कक्षाओं के लिए खुले सरकारी स्कूल। रोहड़ू में मकान राख, जिंदा जला मालिक, आनी में हार्डवेयर स्टोर स्वाहा। सोनिया गांधी के निर्देश, कर्मचारियों की आवाज बने कांग्रेस, विधानसभा चुनावों में मिलेगी जीत। कांग्रेस की जनजागरण पदयात्रा, लोगों को भाजपा की जनविरोधी नीतियां बताएगी पार्टी। शांता कुमार की आत्मकथा के अंग्रेजी संस्करण लिविंग माय कन्विक्शंस का विमोचन। हेरोइन के साथ युवक युवती गिरफ्तार, कुल्लू पुलिस ने नाके के दौरान पाई कामयाबी। फिर जागा केसीसी बैंक में लोन मामले का जिन, महिला आईएएस अधिकारी पर लटकी जांच की तलवार। प्रदेश में अभ्यर्थियों ने दी डेटा एंट्री ऑपरेटर व फायरमैन की परीक्षा, टीजीटी नॉन मेडिकल और एलटी टेट ने भी दिखाया हुनर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में सोमवार से पहली और दूसरी कक्षा के छात्र भी आएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इससे पहले तीसरी से सातवीं कक्षा तक बच्चों को स्कूल बुला लिया गया है, जबकि आठवीं से बारहवीं तक के बच्चे पहले से ही स्कूल आ रहे हैं। हिमाचल के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सोमवार से पहली और दूसरी कक्षाओं के बच्चे भी स्कूल आएंगे। राज्य सरकार ने छोटी कक्षाओं के लिए शिमला शहर और विंटर क्लोजिंग के सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों को ही कक्षाएं बंद रखने का विकल्प चुनने को कहा है। सरकारी स्कूलों और शिक्षा बोर्ड से संबंधित प्राइवेट स्कूलों के लिए सोमवार से सभी कक्षाओं के साथ स्कूल खुलेंगे। इससे पहले सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद आदेश दिए थे कि सभी 10 नवंबर से तीसरी से सातवीं कक्षाओं के बच्चों को भी स्कूल बुलाया जाए। आठवीं से बारहवीं कक्षाएं पहले से ही आ रही थी, इनमें 65% के करीब अभी अटेंडेंस चल रही है। हालांकि तीसरी से सातवीं कक्षाओं में हाजिरी अभी कम है, लेकिन अब पहली और दूसरी कक्षाएं भी खुल रही हैं। उधर विंटर क्लोजिंग स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए स्टडी टाइम कम है, जबकि समर क्लोजिंग के लिए समय काफी है। इसलिए सरकार नए सिरे से शिक्षा की व्यवस्था को बहाल करने जा रही है। छोटे बच्चों के स्कूलों को खोलने के साथ ये निर्देश भी हैं कि ऑनलाइन शिक्षा साथ ही में जारी रखनी होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में अटेंडेंस कितनी रहती है ये देखना होगा। सर्दियां आते ही प्रदेश में अब आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होने लगा है। इसी कड़ी में अब जिला शिमला के रोहड़ू और कुल्लू के आनी में बेकाबू लपटों ने खूब कहर बरपाया है। इन दोनों हादसों में जहां एक व्यक्ति की जान चली गई, वहीं लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल के खोपटूवाड़ी गांव में 6 कमरों का एक मकान पूरी तरह स्वाह हो गया। इस दौरान मकान मालिक भी जिंदा जल गया। इस घटना में करीब 10 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वही मृतक की पहचान राजदेव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आग शनिवार रात्रि करीब 10 बजे उस समय लगी जब राजदेव घर में अकेले सो रहा था, जबकि उसकी पत्नी और 3 बच्चे गाँव से थोड़ी दूर स्थित डोगरी में गए थे और वहीं रुके थे। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और व्यक्ति को बाहर निकाला, लेकिन तब तक व्यक्ति पूरी तरह जल चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। उधर कुल्लू में आनी उपमंडल मुख्यालय के साथ लगते गांव शवाड़ में माता शैल पुत्री मंदिर के पास हार्डवेयर के स्टोर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हुई है। अग्निकांड से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल समाचार आने तक अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे हुए थे। दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हिमाचल लौटते ही विधायक विक्रम आदित्य ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य संगठन मिलजुल कर काम करेंगे। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगामी चुनाव जमीनी स्तर पर लड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने राज्य और केंद्रीय संगठन के बीच तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वापसी करेगी। इसके संकेत उपचुनाव से मिल गए हैं।
विक्रमादित्य सिंह रविवार को दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य संगठन में तालमेल के साथ आगामी चुनाव लड़े जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन से कांग्रेस विधानसभा में बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों के साथ खड़ी है। आने वाले दिनों में विधानसभा और लोकसभा में कर्मचारियों के मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेबीटी और जेओए के मसलों के जल्द समाधान के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सवर्ण आयोग के खिलाफ नहीं है और इसके गठन के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश में कर्मचारियों की आवाज बनेगी। हिमाचल में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों में चारों सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ गया है। पार्टी की नजर अब आगामी विधानसभा चुनावों पर है, इसलिए पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी है कि वे पदयात्रा करते हुए लोगों के बीच जाएं और भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में जनता को बताएं। भाजपा के खिलाफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पदयात्रा की शुरुआत सिरमौर जिला के विधानसभा क्षेत्र पांवटा साहिब से कर दी है। पदयात्रा का नेतृत्व खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस मीडिया प्रभारी और शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय बहादुर, पांवटा साहिब के पूर्व विधायक चौधरी किरणेश जंग मौजूद थे। पदयात्रा शुरू करने से पूर्व पीसीसी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा है और आज़ादी के बाद जो योजनाएं उन्होंने देश के हित के लिए चलाई, उन्हीं के बल पर आज हमारा भारत विश्व में सिर उठाकर खड़ा है। राठौर ने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 10 किलोमीटर तक पदयात्रा करेंगे और प्रदेश व केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी का जहाँ देश की आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, वहाँ आज़ादी के बाद जो योजनाएं उन्होंने इस देश के लिए बनाई, जो दीर्घकालीन योजनाएं उनके समय में बनी, उन्हीं योजनाओं की बदौलत जो है देश उन्नति के शिखर पे पहुंचा है। आज हम उन्हें यहाँ हम याद कर रहे हैं। हमारे पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता यहाँ आए, हमने उनकी प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित की और आज के इस शुभ अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे देश में जो है जन जागरण अभियान जो है शुरू करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की आत्मकथा निज पथ का अविचल पंथी के अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन हो गया। शांता कुमार के अनुसार ये पुस्तक उनकी धर्मपत्नी को श्रद्धांजलि है। वह चाहती थी कि इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद हो और उनकी बेटियों ने अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी की है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की आत्मकथा निज पथ के अविचल पंथी के अंग्रेजी अनुवाद लिविंग माय कन्विक्शंस का विमोचन रविवार को किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतप्रकाश बंसल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में दिव्य हिमाचल के प्रधान संपादक अनिल सोनी, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एच के चौधरी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के सी शर्मा ने पुस्तक का विमोचन किया। अपने 6 दशक के राजनीतिक जीवन के साथ कुछ अन्य विषयों पर भी शांता कुमार ने अपनी आत्मकथा में विस्तार से लिखा है और अब यह किताब अंग्रेजी में भी सबके सामने आ गई है। इस अवसर पर शांता कुमार बहुत भावुक दिखे। आत्मकथा लिखने में 1 वर्ष लगा, कठिन परिश्रम करके रही संतोष। हिंदी आत्मकथा पूरी होने लगी, कुछ मित्रों ने कहा अंग्रेजी में भी छपनी चाहिए। संतोष ने दुबई में रहने वाली मेरी बड़ी बेटी को कहा, उसने अनुवाद करना शुरू किया। लगभग 40 पृष्ठ किए थे, पूरा परिवार संक्रमित हो गया और 5 दिन में संतोष हम सबको छोड़कर चली गई। शांता कुमार ने कहा, यह पुस्तक उनके परिवार की उनकी धर्मपत्नी संतोष शैलजा के लिए श्रद्धांजलि है। संतोष शैलजा चाहती थी कि आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद हो और उनकी बेटियों ने अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी की है। फिर सबको याद आया कि संतोष की अंतिम इच्छा थी
अंग्रेजी में पढ़नी चाहिए। परिवार ने इन लोगों का हिंदू बेटी के लिए बहुत कठिन था अनुवाद करना, लेकिन उससे परिश्रम किया। हिंदू बेटी ने 400 पृष्ठ अंग्रेजी में अनुवाद किया। नशे के कारोबार के खिलाफ कुल्लू पुलिस द्वारा विशेष अभियान छेड़ा गया है। इसमें पुलिस को कामयाबी भी मिल रही है। इसी अभियान के तहत जिला पुलिस ने हेरोइन के साथ युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। बजौरा कटोला सड़क में भुंतर पुलिस की टीम ने हेरोइन के साथ युवक युवती को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है भुंतर पुलिस थाने का एक गश्ती दल एएसआई प्रकाश चंद के नेतृत्व में बजौरा कटोला मार्ग पर न्यूल की तरफ गश्त पर था। उसी दौरान मंडी की तरफ से एक कार आई। पुलिस टीम ने शक के आधार पर कार को चेकिंग के लिए रोका। कार की चेकिंग करने पर उसमें सवार युवक युवती से 13 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया, हेरोइन के साथ पकड़े गए युवक की पहचान फतेह चंद और युवती की पहचान पूजा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये हेरोइन उन्होंने कहां से खरीदी और आगे किसे सप्लाई की जानी थी, इसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में कर्ज का 5 साल पुराना मामला फिर जिंदा हो गया है। एक फर्म को दिए गए इस लोन केस में गड़बड़ की बू आते ही प्रदेश सरकार ने जांच बैठा दी है और इसमें एक महिला अफसर भी घिरती नजर आ रही है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के एक लोन केस में राज्य सरकार ने केस दर्ज कर जांच करने की मंजूरी दे दी है। इस एफआईआर में एक आईएएस अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। ये महिला अधिकारी 2016 में इस बैंक में एमडी के पद पर थी। सरकार से मिली केस दर्ज करने की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने केस की फाइल गृह विभाग को भेज दी है। मामले के रिकॉर्ड के अनुसार ये केस एक फर्म को लोन देने का है। वर्ष 2016 में तत्कालीन एमडी ने पहले इस लोन केस में डाइसेंट नोट दिया और बाद में बीओडी में इस लोन की फाइल पर सहमति दे दी। बाद में जाँच में पाया गया कि लोन के लिए फर्म पात्र नहीं थी। फर्म की संपत्तियां भी ओवर वैल्यूड थी और फील्ड में बैंक लोन की शर्तों के अनुसार काम भी नहीं किया गया था। केस भाजपा चार्जशीट की शिकायत के आधार पर बना था। हिमाचल प्रदेश में आज डेटा एंट्री ऑपरेटर, फायरमैन, टीजीटी नॉन मेडिकल और एलटी विषय में अध्यापक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा हुई। इन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखा गया। ये परीक्षाएं सुबह व शाम के सत्र में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर व फायरमैन की लिखित परीक्षा प्रदेश भर में आयोजित की गई। दोनों पोस्ट कोड के लिए सुबह व शाम के सत्र में 48 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। लिखित परीक्षा प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों के 33 सेंटरों में सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। वहीं शाम के सत्र में फायरमैन के 43 पदों को भरने के लिए परीक्षा प्रदेश के 4 जोन हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला जोन के 15 सेंटरों में 2 से 4 बजे तक आयोजित की गई। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा टीजीटी नॉन मेडिकल और एलटी विषय में अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट रविवार को आयोजित की गई। जिला के सभी ब्लॉकों में परीक्षा को लेकर सेंटर बनाए गए थे। हमीरपुर जिला के 13 सेंटरों में सुबह व शाम के सत्र में हजारों अभ्यर्थियों ने अध्यापक पात्रता परीक्षा में भाग लिया। और इसमें 137 प्रेजेंट थे और 163 जो थे एब्सेंट, टोटल 300। उसका पूरा एसओपी जो भी है, उसका पूरा नियम जो है लागू किए गए हैं। जितने भी एंट्री पॉइंट थे वहाँ पे सैनिटाइजर, डिस्पेंसिंग मशीन, मास्क सब के लिए जरूरी था और सैनिटाइजेशन जो सीटिंग अरेंजमेंट था उससे पहले किया गया है सारा। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। किन्नौर के बटसेरी में खाई में लुढ़की ऑल्टो, 4 लोगों की मौके पर ही मौत, एक सवार गंभीर जख्मी। जम्मू से जुड़ेगी ऊना दौलतपुर रेल लाइन, दौलतपुर स्टेशन से आगे बनाया जाएगा 52 किलोमीटर लंबा नया ट्रैक।
मनाली के खीरगंगा ट्रैकिंग रूट से दिल्ली का ट्रैकर लापता, तलाश शुरू। ऊना में कैंटीन से सस्ता राशन दिलवाने के नाम पर 2 लाख ठगने वाला अरेस्ट। कुल्लू सेब की बढ़ी डिमांड, मुंबई, गुजरात, पंजाब में मिल रहे अच्छे दाम। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखना ना भूले 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव, और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।